का जो प्रोडक्शन है वर्ल्ड में उसका अराउंड 83% जो है वो यूज होता है एज एनिमल फीड ग्रेन, 17% इज यूज एज ह्यूमन कंजम्पशन। और ह्यूमन कंजम्पशन में क्विकर ओट्स का नाम से आपने सुना होगा, आजकल इंडिया में भी उसकी काफ़ी सेल चल रही है प्रोडक्ट्स की। क्विकर ओट्स वेरी ओल्ड कंपनी, यूके बेस्ड कंपनी है ये क्विकर ओट्स। उनके प्रोडक्ट्स जो है ओट्स के, उनके ग्रेन नॉट ओट्स ग्रेन, वो वर्ल्ड ओवर जो है अबाउट 20 कंट्रीज को उसका सप्लाई। इंडिया में मेनली कितना है ऑर्डर ऑर्डर इसमें, देर आर सो मेनी स्पीशीज, मैनी स्पीशीज डिप्लॉयड, टेट्राप्लॉयड, हेक्साप्लॉयड, ऑल ऑफ देम। लेकिन जो ये है इट इज अवीना स्टाइवा, ये कल्टिवेटेड स्पीशीज है, और ये हेक्साप्लॉयड इट इज 2 and 42। बेसिक रोम नंबर है 7, एक्स इज 7, इट इज हेक्साप्लॉयड 2 and 42। इसमें मैंने बताया और स्पीशीज आ गई डिप्लॉयड, टेट्राप्लॉयड, हेक्साप्लॉयड। ऑर्डर में जो है मेनली सिंगल कट एंड मल्टी कट, कुछ इनमें से अमीना साइवा में ही कुछ वैरायटीज इस टाइप की हैं जो आर यूज्ड है सिंगल सिंगल कट बट फॉर ऑर्डर, एंड सम ऑफ द वैरायटीज आर विच आर यूज्ड है मल्टी कट। मल्टी कट मीन्स टू कट और थ्री कट, दे कैन टेक टू और थ्री। इसको नॉर्मल इसका सोइंग टाइम जो है वो है अक्टूबर फॉर मल्टी कट एंड नवंबर फॉर, लेकिन फॉर सीड प्रोडक्शन हम इसको दिसंबर तक भी जो है ग्रो कर, इवन अप टू दिसंबर और फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी तक। नॉर्मली हम यहाँ जो अपना सीड प्रोडक्शन का प्रोग्राम लेते हैं वो हम उसको दिसंबर में शो करते हैं। उसके पीछे रीज़न ये है कि जब ये बहुत बढ़ जाता है तो लॉजिंग होगा, तो अवॉइड लॉजिंग हम इसको दिसंबर में सोएंगे। अदरवाइज इसका नॉर्मल सोइंग टाइम जो है फॉर फोर्डर पर, फॉर सिंगल कट इट इज अक्टूबर एंड फॉर मल्टी कट, सॉरी मल्टी कट फॉर अक्टूबर एंड सिंगल कट फॉर्डर यील्ड इसमें लगभग आ जाती है 500 क्विंटल से लेकर और 650 क्विंटल या 700 क्विंटल पर हेक्टेयर, सिंगल कट में भी और मल्टी कट। जो सिंगल कट लेते हैं हम एक बार ग्रो कर लिया उसको फ्लावरिंग जब आती है 50%, जब ये इसके ईयर्स निकलने शुरू होते हैं, जब 50% प्लांट्स में ये आ जाते हैं देन वी एडवाइस टू कट बैक ऑफर सिंगल कट। लेकिन जो मल्टी कट होती है उसमें फर्स्ट कट हम एडवाइस करते हैं 65 to 70 डेज, देन नेक्स्ट कट जो होता है उसमें आफ्टर दैट द क्रॉप रीजनरेट्स, उसके बाद रीजनरेट्स के बाद जब इसमें फिर फ्लावरिंग आती है एट 50% फ्लावरिंग देन हार्वेस्ट सेकंड कट। इसमें प्रोटीन जो है सिंगल कट्स में अराउंड 7 to 8% ऑन एन एवरेज, और जो मल्टी कट्स में है वो है ऑन एन एवरेज 13 to 15%। उसका रीज़न ये है कि जब आप फर्स्ट कट लेते हैं उस टाइम प्रोटीन बहुत हाई होती है लगभग 20%, 22%, लेकिन जब आप सेकंड कट लेते हैं उस टाइम प्रोटीन बहुत कम हो जाता है, तो उन्होंने एवरेज इट अराउंड 15%। इसको ग्रेन के लिए हम जो है दिसंबर वाली क्रॉप में अभी जो ग्रेन प्रोडक्शन के लिए छोड़ रखी है इसमें सारा जो है सीड प्रोडक्शन, तो ये सीड प्रोडक्शन इसका जो है मई फर्स्ट वीक तक जो है तैयार होगा हार्वेस्टिंग के लिए। इरीगेशन जो है इसमें जो फर्टिलाइजर्स वगैरह है वो है अराउंड 80 kg नाइट्रोजन पर हेक्टेयर की फर्टिलाइजर की एप्लीकेशन होती है, उसको हम स्प्लिट डोज में डालते हैं। सिंगल कट में तो हम
40 केजी पहले दे देते हैं, फिर 40 केजी जो है एक महीने के बाद। लेकिन जो मल्टी कट है उसमें 40 केजी पहले दे देते हैं, फिर 20 केजी फर्स्ट कट देते हैं और फर्स्ट उस पर इरीगेशन को, और जो नेक्स्ट 20 केजी है वो हम देते हैं और फर्स्ट हार्वेस्ट को। जो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर एप्लीकेशन है वो मिड डोजेज में देते हैं, टोटल हम 80 केजी देते हैं हर एक। जो सिंगल कट वाली वेराइटीज हैं उसको हम 40 केजी दे देते हैं बेफर डोज स्टार्टिंग में, एक्सचेंज करते हैं। जो नेक्स्ट 40 केजी है वो देते हैं फर्स्ट इरीगेशन, फर्स्ट इरीगेशन ऑलमोस्ट एक महीने के बाद। और जो मल्टी कट टाइप है उसमें जो है 40 केजी बेफर डोज जो कॉमन एक्सचेंज करते हैं। जो नेक्स्ट 40 है उसको हमने दो हिस्सों में बांट दिया, 20 केजी इरीगेशन पर, और जो नेक्स्ट 20 बची हुई है वो हम फर्स्ट हार्वेस्ट जब ऑर्डर कर लेंगे उसके बाद, क्योंकि हमने उसमें से सेकंड कट भी लेना, तो वो नेक्स्ट 20 जो है उसके। बाकी इसमें जो ये आपका ये इसको पैनिकल बोलते हैं, ठीक है, ये इसका पेडंकल है जो लास्ट सेंटर में हो रहा है यहाँ से लेकर ये इसको जो है इसको पैनिकल बोलते हैं। ये इसमें रैकेस हैं, ये इसकी ब्रांचेज हैं, ये इसके जो है ऊपर जो देख रहे हैं आप, ये टर्मिनल है जो लास्ट एप्टिकल है, इस पर जो है स्पाइक इंडिविजुअली स्पाइक लेट्स, तो ये इंडिविजुअल स्पाइक लेट्स में देर आर 3 to 4 फ्लोरेस, ये स्पाइक लेट के अंदर देर आर 3 to 4 फ्लोरेस, बट नॉर्मली थर्ड एंड फोर्थ फ्लोरेट दे आर स्ट्राइक, ओनली यू गेट बिकॉज देर आर टू फ्लोरेट फर्टाइल। जो प्राइमरी फ्लोरेट होता है उसका सीज थोड़ा सा बिगर साइज, सेकेंडरी फ्लोरेट होता है उसका थोड़ा सा। इसका जो ये एक स्पाइक लेट मैंने बताया, इसके जो बाहर से जो है ये इसको ब्लूम बोलते हैं। बाहर वाले इसको ब्लूम्स, आउटर ब्लूम्स या ब्लूम्स देख रहे हैं, ये देखो इसके अंदर इनके फ्लोरेट्स होते हैं। इन फ्लोरेट्स में हर फ्लोरेट के बाद एक लेमा होता है, एक पेली, उस लेमा और पेली के बीच में बाकी जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो एक बायफिड स्टिग्मा होता है। बायफिड स्टिग्मा जो है डिवाइडेड टू, आपको ऐसे दिखेगा दोस्तों, बायफिड स्टिग्मा होता है 3 and 30। इसकी मेस्कुलेशन और पोलिनेशन के लिए इसमें जो ये आपका ये पेनिकल है, इसमें जो अपर स्पाइक लेट्स हैं इनमें पहले एंथेसिस होते हैं, और एंथेसिस नॉर्मली जो है 2 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में। तो इसमें उन स्पाइक लेट्स को हम सेलेक्ट करते हैं जो ना ज़्यादा मैच्योर हों ना ज़्यादा ओवर मैच्योर, ठीक है, लेकिन उनमें एंथेसिस ना हुआ हो। दो केमिकल प्लांटेशन इन विच स्पाइकलेट हैव नॉट इन विच द एंथेसिस हैव नॉट टेकन प्लेस इन दो। और शाम के टाइम 2 से 5 बजे के बीच में ही हम जो है इसमें इंस्टॉलेशन करते हैं, एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग उसका पोलिनेशन। पोलिनेशन के लिए हम एंथर्स मॉर्निंग में जो है जब उसमें कलेक्ट करते हैं और उन एंथर्स को लेके फिर उसमें हर फ्लोरेट के अंदर एक एक दो दो एंथर्स डालते हैं। जब उन एंथर्स में से पोलन डिहाइस होता है और वो पोल वो स्टिग्मा जो है कंसिडर करते हैं, देन द पोलिनेशन पोलिनेशन तो इस तरह से जो है इसमें लगभग 15 से 20 हम इसमें स्पाइकलेट्स जो है पर केमिकल जो है
इन्वेस्टिगेशन और पोलिनेशन पर्पज के लिए रेस्ट दी मेच्योर एंड दी ओवर मेच्योर हर स्पाइक लाइट के अंदर एज आई टोल्ड अस देर आर फोर फ्लोर्स इन प्रोग्रेस पर स्ट्राइक सो यू कीप ओनली वन फ्लोरेट पर स्ट्राइक अदर्स वी रिमूव फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन ओनली वी कीप वन फ्लोरेट पर स्ट्राइक और तो ये आपको फील्ड में हमारे यहाँ मतलब ये आपको ले जाएंगे वहाँ फील्ड में आपको इन्वेस्टिगेशन के लिए मशीन आपको बताएंगे कैसे करते हैं और क्वेश्चन आपको